स्पीकर ने गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी मंदूब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात के लिए तलबी पहुंच गए। पोप फ्रांसिस की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और मुगवियों की रिहाई पर बातचीत हुई। उधर गजा पर इसराइली हमले ना थमे, रफा में पनाह गुजीन कैंप मलबे का ढेर, 15 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को भी ना बख्शा, 12 अहलकारों ने शहादत पाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकतों की तादाद 30 हो गई, शहदा की कुल तादाद 44,835 तक पहुंच गई। अमरीका ने गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी मंदूब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात के लिए तलबी पहुंच गए। पोप फ्रांसिस की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में जंगबंदी और मुगवियों की रिहाई पर बातचीत हुई। उधर गजा पर इसराइली हमले ना थमे, रफा में पनाह गुजीन कैंप मलबे का ढेर, 15 फलस्तीनी शहीद हुए। सहूनी फौज ने इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को भी ना बख्शा, 12 अहलकारों ने शहादत पाई। गुज़िश्ता 24 घंटों में हलाकतों की तादाद 30 हो गई, शहदा की कुल तादाद 44,835 तक पहुंच गई।